New place, right? I'll tell you about it. Remember in the last vlog when I told you guys that I'm shifting back to the Pune? This is what I mean. So welcome back to the channel, guys. I hope you guys are doing absolutely fine. You know, there is currently so much going on in my life. इसलिए मैंने decide किया था कि मैं पुणे shift हो रहा हूँ. So this is where I'm living right now. It's my room. So let me start with the room tour first. ये मेरा एक room है जो एक twin sharing room था, but मेरे साथ कोई है नहीं, तो मैं अकेला हूँ इस room में. And we have a TV, Wi-Fi, closets, and a good mirror. Or that's the bathroom now. And this is a pretty good balcony with a decent view. यहाँ से ये view मुझे मिलता है. So this is where I'm staying right now for a reason, जिसके बारे में आपको I guess थोड़ा सा आइडिया होगा. पुणे फिर से शिफ्ट होने के दो मेजर रीज़न है. पहला ये कि मास्टर्स के लिए अब कॉलेज डिसाइड करना है, और दूसरा अपने व्लॉगिंग गेम को थोड़ा लेवल अप करने का टाइम आ चुका है. सो इसी के साथ मैं आपको आज का एक सिंपल सा प्लान बताता हूँ. सो मी एंड माई फ्रेंड आर्यन, वी आर गोइंग टू राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, विच इज़ अ जू इन कातरज पुणे. यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स मिल जाएंगे देखने के लिए, एंड दिस इज़ वन ऑफ अ फन थिंग्स यू कैन डू इन पुणे. सो मैं तैयार होता हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं. So on account of 1, 2 and finally मैं ready हो चुका हूँ, और आर्यन भी आ गया है जो मेरे साथ जू जा रहा है, और ये सनस्क्रीन लगा रहा है अभी, और सारा गियर भी मैंने रेडी कर लिया है, सब कुछ चार्ज है. ये रहा मेरा कैमरा, ये थोड़े माउंट्स हैं, और दोनों लेंस भी रेडी है, GoPro भी मैंने रेडी कर लिया है, माइक भी चार्ज है, फ़ोन चार्ज है, सब कुछ चार्ज है. बस अब हम निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैप, सनस्क्रीन, सनग्लासेस. नहीं कोई बात नहीं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैप, सनस्क्रीन, सनग्लासेस और डियो, ये अपने साथ ज़रूर लेके जाना, क्योंकि बहुत धूप है, तो अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो ये सारी चीज़ें काम आएगी. तो ये सब कुछ लेके जाना एंड निकलते हैं. इनिशियली हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग बाइक से जाएंगे, लेकिन फिर फाइनल कॉल लिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, क्योंकि थोड़ा दूर है, इतना भी दूर नहीं है कि बाइक से नहीं जा सकते, बट गर्मी बहुत है तो एसी बस में जाएंगे. ये आइडिया आर्यन का था. तो अभी हम लोग पैदल बस स्टॉप तक जा रहे हैं. तो अभी हम लोग आ गए हैं डांगे चौक बस स्टॉप पर, और यहाँ से हम लोग कातरज के लिए बस पकड़ रहे हैं, जिसका नंबर है 298. पब्लिकली ट्रैवल करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है एम इंडिकेटर नाम से एक एप्लीकेशन आता है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो. वहाँ पे आपको आपकी सिटी का सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो अभी हम लोगों ने वही यूज़ किया और बस स्टॉप पर खड़े हैं, एंड ये यहाँ पर लिखा हुआ है 298. तो बस का वेट करते हैं. और एंड वी हैव जस्ट रीच टू कातरज जू, और सरप्राइजिंगली आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आई गेस आज संडे है, इस वजह से सब लोग जू में जा रहे हैं. हम लोग लाइन में खड़े हैं, और यहाँ से लेके आगे तक और इस वॉल के पीछे पूरी लाइन ही लगी हुई है. और यहाँ आर्यन मुझे कोस रहा है कि कहाँ लेकर आया है. देखते रह देखता. एंड फाइनली बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद हम लोग जू के अंदर एंटर हो गए हैं. और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो है, जस्ट इसके पीछे अगर आपको दिखेगा तो ये है बंदर वाला सेक्शन. मैं ऐसे ही एक राउंड दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे शूट करेंगे. तो ये है बंदर वाला सेक्शन. एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड स्नेक पार्क. यहाँ पे पाइथन्स हैं और भी बहुत सारे हैं, कि छोटे सांप, सांप क्या होता है भाई, छोटे स्नेक्स हैं. जस्ट नाउ वी सॉ अ पाइथन, और ये ह्यूमन से साइज में बहुत बड़ा होता है. ये इजीली 6 फुट, 6.5 फुट के आदमी को आराम से पकड़ के खा सकता है. नाउ वी आर हेडिंग टू वर्ड्स इंडियन स्टार बैक टॉर्टोइस. इट्स अ टाइप ऑफ अ टॉर्टोइस जिसके बैक पर स्टार शेप बना होता है. स्लॉथ बेयर के साथ एक बहुत अच्छा मूवमेंट शेयर करने के बाद जहाँ पे आर्यन को बहुत मज़ा आ रहा था. आर्यन कुछ बोलेगा? मज़ा आया यार, क्यूट है. वो स्लॉथ बेयर वहाँ पे गिर गया और आर्यन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था.
शॉट्स ऑफ लेपर्ड ना, और अभी हम जा रहे हैं टाइगर और लायन देखने। होप सो अब वो दोनों उठ गए होंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले अब हम जब गए थे वहाँ पे वो दोनों सो रहे थे। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई नाउ। जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ मी एक लायन बैठा हुआ है, आई एम जस्ट वेटिंग कि वो बाहर आएगा। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द मेन अट्रैक्शन ऑफ द जू। अब हम टाइगर के केज के पास में जा रहे हैं और वेट करते हैं कि वो बाहर आएगा, एंड देन आई विल शो यू गाइस। Done with the shoot and what a mesmerizing day. आप कुछ भी कर लो, किसी भी जानवर को देख लो, लेकिन जो चीज़ जो सेटिस्फैक्शन टाइगर को देख के मिलता है ना, यू कैन नॉट इमेजिन। इवन दो वो जू में था, या फिर आप वाइल्ड लाइफ में देखो, या फिर आप सेंचुरी में जाके देखो, डजेंट मैटर, टाइगर इज सच अ ब्यूटिफुल एनिमल, सच अ ब्यूटिफुल बिग कैट। एंड नाउ हमारा आज का शूट ख़त्म हो गया है, तो अब हम बाहर जाते हैं एंड थोड़ा कुछ खाएंगे अब, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सो आई थिंक जू का आज हो गया है। One eternity later. And we are back to the room. By 4:30 हमने शूट खत्म कर लिया था, एंड मैक्स 5 o'clock हम लोग कातरत से निकल गए थे, एंड इट took us 3.5 hours टू रीच हिंजेवाड़ी फ्रॉम कातरज। 30 किलोमीटर के लिए 3.5 घंटे लगे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, और इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट आज के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स मिले, और आपको सारे फोटोज़ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम बायो दिख रहा होगा, एक मेरा फोटोग्राफी अकाउंट का और एक मेरा पर्सनल अकाउंट का। सो दोनों पे जाओ, फॉलो करो, और वाइल्ड लाइफ कंटेंट को भी थोड़ा सा लाइक देना, थोड़ा शेयर करो, यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी मैं फ़िलहाल शार लेकर आया हूँ, एंड इट इज़ 11 o'clock नाउ। मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, फिर उसके बाद उठा, खाना खाया, एंड आई हैव टेकन अ शार नाउ। सो आई थिंक आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको ये जू टूर वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। इंस्टाग्राम पर सारे फोटोज़ मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर भी जाना, उनको भी लाइक करना, एंड सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।